सफर रहे? नहीं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा, रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई लाहौर से कराची सफर कर रहा है इसके ऊपर, अच्छा कराची से लाहौर कर रहे हैं, तो पार्लर कार के अंदर बिल्कुल सफर ना करें। अच्छा, ये छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, बाकी अदरवाइज लॉन्ग ट्रिप के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सीधे सफर को, अच्छा सफर आपका, पहले बताएं कैसा रहा सफर आपका? ये सफर जो है बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, और मेरे ख्याल में कि वैसे तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सीट से, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग जर्नी जैसे हम लोग इस्लामाबाद कराची जा रहे हैं, इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। सही। अलैकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट फिर से इतने इंटरेस्टिंग लोग के साथ हाजिर है। गाइस, मैं आज आपको सफर करवाऊंगा ग्रीन लाइन का। ये लाहौर जंक्शन पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और लाहौर जंक्शन से कराची कैंट ये जाएगी ग्रीन लाइन। मेरा फर्स्ट टाइम है ग्रीन लाइन पे, तो जुड़े रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होना है। इस वक्त लाहौर जंक्शन का थोड़ा सा मैं आपको दीदार करवाता हूँ। ये देखिए जी, सब जैसे ही आप एंटर होते हैं, सबसे पहले एक बड़ी LED ये सामने लगी हुई है, इस पर आपको टाइमिंग वगैरह सारी मेंशन होती है ट्रेन की, ठीक है। और यहाँ पे सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिए लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ, कराची कैंट और पेशावर कैंट, ये दो ट्रेन का भी टाइम यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये आ रही है। और ये बिग स्क्रीन पे टाइम आ रहा होता है डिपार्चर का, अराइवल का, और काफ़ी रश है, देख सकते हैं आप दोनों तरफ मेरे। और इंटरेस्टिंग बात, मैं आज मैंने देखा है लाहौर जंक्शन पे ये भी लिखा हुआ है कि श्रीनगर यहाँ से 427 किलोमीटर दूर है, और जम्मू कश्मीर 166 किलोमीटर। LEH क्या है इधर कमेंट में बताया, मुझे भी नहीं पता, इधर काफ़ी दूर है, ठीक है, काफ़ी रश है। तो ग्रीन लाइन का सफ़र मेरे साथ रहिएगा, लाहौर टू कराची फर्स्ट टाइम। और फिर ब्रेक के बाद जैसे ग्रीन लाइन आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, उधर रहिएगा मेरे साथ। ऊपर से स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, प्लेटफॉर्म 2 पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं, लाहौर जंक्शन। काफ़ी तादाद में मुसाफिर हैं यहाँ पे, पैसेंजर हैं जो ग्रीन लाइन का आई थिंक वेट कर रहे हैं, काफ़ी ट्रेन का वेट कर रहे हैं जिन जिन ट्रेन पर उन्होंने जाना है। और इस साइड में भी ऐसे ही है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे से, इस साइड से पुल ऊपर, ये देखें आप ट्रैक सारा, बहुत पुराना ये लाहौर जंक्शन जो है स्टेशन है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, और फिर तो जैसे ही ट्रेन आएगी तो अंदर से तो आपको मैं सारा दिखाऊंगा ही। और इस साइड से देखिए, काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार ये लाहौर जंक्शन जो है, काफ़ी बहुत बड़ा। ये सब मुसाफिर जो है अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। गमले भी लगे हुए हैं यहाँ पे, वाओ, ठीक है। और ये देखिए काफी लोग, पता नहीं क्या क्या सामान लेके आए हुए हैं गाइस, ऑब्वियसली कई लोगों ने शिफ्टिंग भी करनी होती है, तो सारा सामान जो है एक बार में सारा ले आता है। ये देखिए प्यारा स्टेशन है यार, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। और कौन कौन आया इस यार करता रहता है ट्रेन का सफर, कमेंट से बताएं मुझे अभी कमेंट करके। ट्रेन का वेट हो रहा है, जैसे ट्रेन आएगी आपको ट्रेन में दिखाएंगे। गाइस ये ट्रेन आ गई है सामने ग्रीन लाइन, मेरे बिल्कुल सामने है ग्रीन लाइन सर। ओए 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 क्या बात, ये ग्रीन लाइन आप हमारे सामने आप देख सकते हैं सारे। तो बॉक्सेस का मेरे ख्याल से ये वाला PR लगेज है, और ये बिजनेस क्लास है, ये बिजनेस क्लास है, और ये भी बिजनेस क्लास है। ये सारी ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं गाइस, थोड़ा सा लेट आइए, ये पार्लर क्लास है, इसमें मैंने जाना है, ये वाली क्लास में जाऊंगा मैं, पार्लर क्लास, ठीक है। और ये सी स्टैंडर्ड, अभी वैसे जब ये लाहौर आती है साथ मेरे ख्याल से कुछ और बोगी हैं इसके साथ अटैच होती हैं, अभी देखते हैं।
कितनी बोगी अटैच होती हैं। ये मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, मेरा सामान नीचे गिर गया गाइस। ये सारी दिखा दी मैंने आपको ग्रीन लाइन आज, ये इकोनॉमी क्लास भी है इसकी। लिखा हुआ है 160 किलोमीटर पर आवर, अब पता नहीं इतनी स्पीड से चलती भी है कि नहीं। ये फिनिश टाटा पाइपर, तो मिलते हैं अब ट्रेन के अंदर जाके आपसे। गाइस मैं अपनी जगह ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पे है। और भाई सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगा ना वो एसी पार्लर क्या है, जो बोगी है मेरी एसी पार्लर। काफ़ी लोग जल्दी जल्दी मैं तलाश कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ ये मिल गया बस आपको दिखाता हूँ जाके अंदर। आई थिंक गाइस यही है एसी पार्लर, चलते हैं इसके अंदर और जाके देखते हैं पार्लर, अंदर चलते हैं जाके देखते हैं। अभी साथ ही रहिएगा मेरे, पता नहीं इसकी एंट्री किधर से है, उस साइड से है मेरे ख्याल से। दिखाते हैं कोच नंबर 14 पार्लर। रश बहुत है यार, बहुत रश है। ये हम आगे एंटर अंदर, और ये एसी पार्लर फुल भाई कूलिंग सिस्टम लगा हुआ। ये है गाइस अंदर से, अभी देखते हैं अपनी सीट तलाश करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी तो आप देख लीजिए एंट्री में, अभी अपनी सीट तलाश कर लें। गाइस ग्रीन लाइन एसी पार्लर के अंदर मैं बैठ गया हूँ और सीट काफ़ी सस्पिशियस है, काफ़ी जगह है, आप टांगे भी लंबी अपनी इजीली कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है, यहाँ पे आप चार्जिंग सॉकेट है, आप चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल ठीक है। और ये सामान रखने की जगह ऊपर आप इजीली यहाँ पे ना सामान रख सकते हैं, और जहाज़ पे भी इतनी जगह नहीं होती वैसे जितनी यहाँ पर जगह दी हुई है आपको। और ये देख सकते हैं आप ठीक है, आप अपनी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसको आप थोड़ा बाइंड भी कर सकते हैं। ये अंदर से आपको सारी दिखा रहा हूँ ग्रीन लाइन, अभी थोड़ी देर में ये बस यहाँ से चलेगी और LCD भी इन्होंने दी है, आप गाने शाने भी सुन सकते हैं। ग्रीन लाइन जो है चलना स्टार्ट हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, आपको दिखाता हूँ इस साइड से अगर आपको नजर आ रहा होगा तो, मैं ही नज़र आ रहा हूँ शीशे में। और अभी तक का तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। और देखिए अगर आपने किसी को बुलाना हो तो अभी कॉल बटन का यूज़ कर सकते हैं ठीक है, और यहाँ पे हैंग वगैरह भी कर सकते हैं कुछ अपनी चीज़ें, और साथ सबसे बेहतरीन चीज़ आप आराम से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल ठीक है। और ये LED साथ लगी है हर सीट के पास, और ये खाने के लिए आपको आप इस तरह भी अपनी सीट को कर सकते हैं जब आप खाना ये सर्व करेंगे आपको ठीक है। तो फिलहाल अभी तक तो ठीक है, बाकी सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे ही आगे सफ़र होता है तो आपको और भी दिखाता हूँ मैं ग्रीन लाइन का सफ़र मेरे साथ। तो गाइस जो खाना इस वक्त आ चुका है, फूड रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये एटम का ज़ीरा रायता ठीक है, ज़ीरा भी डाला हुआ है इसका, देखते हैं इसको ओपन करते हैं जब ठीक है। और ये जी हमारे सामने ये खाना पाकिस्तान रेलवे, दिखाते हैं आपको इसके अंदर है क्या, कैसे बोलेगा यार। अच्छा जी ऐसे कर लेते हैं, खाना लेते हैं बिरयानी हाथ में। अच्छा दाल है, चावल है, और क्या है, आई थिंक चिकन लग रहा है मुझे। अब ये तो खा ले यार, नहीं ये फिर से दो मैं आपको और भी दिखाते हैं। अच्छा मेरे से फूड रिव्यू भी हो रहा है। ये नान और ये साथ एक स्पून और टिश्यू भी साथ। अच्छा ये टोटल सामने चावल है और ये दाल ही है आई थिंक, साथ ये चिकन भी लग रहा है और ये नान। और चलें ये रहता है एडम का ज़ीरा रायते के साथ ठीक है, ये पाकिस्तान रेलवे का मोनोग्राम। और ये मैं खाते हैं खाना खाने के बाद बताता हूँ ठीक है। गाइस फूड रिव्यू करते हैं, फूड टेस्ट करते हैं सबसे पहले ठीक है। और ये स्पून है और साथ टूथपिक है और एक रसगुल्ला भी है भाई, भाई रसगुल्ला भी है साथ भाई, क्या बात है। और ये टिश्यू पेपर और ये नान है, नान थोड़ा सॉफ्ट नहीं है पर ठीक है। और हम इसको करते हैं ट्राई, आई थिंक ये चिकन है, आप करते हैं ट्राई का, आपको दिखाते हैं क्या टेस्ट है। स्पाइसी नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है,
थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि मैंने ठंडा कर लिया है, काफ़ी देर का आया हुआ है, मैंने ठंडा कर लिया। 10 में से कितने नंबर देंगे सर? 8 out of 10। अब करते हैं हम थोड़ी दाल को टेस्ट। दाल करते हैं, दाल ओके। अब हम करते हैं चावल को टेस्ट। चावल को टेस्ट करते हैं। इलायची मिलेंगे 7, साल को मिलेंगे 8, और इस प्राइस का रायता भी दिखाता हूँ आपको। रायता रायता ओपन कर लिया मैंने और रायते को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जीरा के साथ ही रहता कैसे। भाई रायते को फुल नंबर आउट ऑफ 10 नंबर रायते को 10। खाना बेहतरीन है और मैं खा लूँ फिर मिलता हूँ, फिनिश कर लूँगा, ठंडा हो जाएगा। क्या बात है यार, इसको तो मैंने नंबर दिए नहीं। कितने दिए इसको? भाई 10 में से 11 नंबर, मज़ा ही आ गया। ये तो गाइस ये है वॉशरूम, ग्रीन लाइन का वॉशरूम। अब मैं इसको वॉशरूम में आऊँगा, यहाँ से पता है कितनी तेज चल रही है सारा वॉशरूम। गाइस ये कप देख रहे होंगे, कॉफ़ी नहीं है, चाय है। इसको टेस्ट करते हैं फिर नंबर देते हैं। अच्छी चाय। और ये इनकी तरफ से चाय थी, इन भाई की तरफ से, रिजवान भाई की तरफ से। वो बैठे हुए रिजवान भाई, मैंने व्लॉग में आ रहे हैं, आप ला रहे हैं। फिर ये इनके तरफ से, इनका भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मैं आपसे। जी तो गाइस आई एम गोना स्लीप नाउ, मैंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ, लेट जाऊँ और नींद आ रही है मुझे। अभी हम राउंड अबाउट कोई 14 आवर्स अवे हैं कराची से, 14 घंटे, खाने वाला भी आने वाला है। तो देख लें आप ग्रीन लाइन की वाइब। अच्छा बाई चांस ये अभी तक ये सीट खाली है, ये वाली इस सीट पे मैं हूँ और बस मैं इसी वजह से लेट गया हूँ क्योंकि सीट खाली थी। तो सोते हैं फिर मिलते हैं आपको सोने के बाद। जी तो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा और सब सोए पड़े हैं। अभी दिखाता हूँ ज़रा ट्रेन की सूरत हाल, ये ट्रेन की सूरत हाल। ऐसे लोग सर बाहर निकाल के और कोई अपनी टांगे निकाल के बाहर लेटा हुआ। मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ कि सो जाऊँ। अभी मेरे ख्याल से हाफ से ज़्यादा सफ़र पड़ा बहावलपुर से। अब मेरे ख्याल से सखर के करीब नितो नहीं है, सखर का स्टेशन आएगा फिर आगे जाके आपसे मिल जाऊँगा। जी तो नाज़रीन कैसे हैं आप लोग, सुबह हो गई है और मैंने भी अपनी नींद पूरी कर ली है। रोहड़ी से हम आगे सखर के करीब है, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन जो है हैदराबाद स्टेशन है। तो मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ है, वो ओपन करते हैं यार। पीआर पैकेज नहीं है, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से चले पीआर पैकेज रिसीव हुआ है, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसको स्टिकर से इन्होंने किया हुआ बंद, चलो जी एंड स्टिकर भी खराब। ये होगी इसकी अनबॉक्सिंग और हम निकालते हैं इसके अंदर से, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी ये इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं ये है क्या चीज़। वाह, खुद फ्रेश लग रहा है मुझे, क्या बात है।
गाइस ये टूथब्रश रिसीव हुआ है टेंटोनिक की कोली, इसके अंदर वो टूथपेस्ट है और ये ब्रश है बॉक्सिंग और भी कुछ है गाइस। और ये भी देखते हैं, फोन पे देखते हैं क्या चीज़ है। एक हाथ में मेरे कैमरा है, एक हाथ में मेरे वाओ ये लगता है ये और ना ये कॉम्ब है अपने बालों को करने के लिए। चलिए मैं इसको फाड़ ही देता हूँ, ऐसे तो नहीं करते इसकी अनबॉक्सिंग, लेकिन लेट्स सी ऐसे ही कर देते हैं हम। इससे बैड अनबॉक्सिंग आपने कभी देखी नहीं होगी वैसे। देखे देखें अनबॉक्सिंग देखें आप, बस ये मैंने कर लिया इनके अपनी फाइनल प्रोडक्ट ओपन। ये है इसके अंदर, क्या बात है जी, एक अदद कॉम अपने बालों को सेट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है और भी कुछ है गाइस, पाकिस्तान थैंक्स टू पाकिस्तान रेलवे। और अब इसको भी करते हैं हम अनबॉक्सिंग, मुझे लगा था खाने की चीज़ होगी, आई थिंक ये केक है, खाने की चीज़ आ गई गाइस। आई एम मिसिंग दिस, नहीं, अच्छा एक दिन चिलेट सेफ्टी दी हुई है गाइस। ब्रशलेस शेविंग क्रीम, अच्छा जी ब्रशलेस शेविंग क्रीम है, शेव भी बना सकते हैं गाइस आप, अपनी शेव भी कर सकते हैं, सही है। और ये फिनिश, क्या बात है भाई, थैंक्स टू पाकिस्तान रेलवे। अच्छा, ब्रेकफास्ट आ गया गाइस, चेक करते हैं ब्रेकफास्ट। हे गाइस, सो ब्रेकफास्ट इज हियर, फ्रेश हो चुका हूँ, टूथब्रश भी मिला था हमें इस ट्रेन में, टूथब्रश भी मिलता है और बाकी और चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, देख ली होंगी आपने। नाश्ते का रिव्यू करते हैं, अच्छा पराठा और साथ एक आमलेट, मज़ेदार आमलेट। चलें लाइव रिव्यू कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा ठंडा है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना भी नहीं चाहिए। ओके आप तो नाश्ता चाय तो बनती है, चाय को फुल नंबर यार, फुल नंबर चाय को गाइस, फुल नंबर मिलते हैं। चाय गर्म भी है, फुरन पी लें, ठीक है, रखे ना इसको ठंडी ना करें, उसी वक्त पी लें।
we are here at the Hyderabad station right now. तकरीबन थक चुके हैं सारे, काफ़ी सफ़र कर लिया और इसके बाद मेरे ख्याल से एक और स्टॉप है, फिर कराची का स्टॉप है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक तो। बाकी ये है कि इन सीट्स पे नींद आना बहुत मुश्किल है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कहा गया था। बाकी ओवरऑल ठीक था यार। चाहे इसको डोर को ऐसे ओपन किया, ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। और आपको आगे से मैं दिखाता हूँ सारा एरिया। ये बिल्कुल स्लो चल रही है इस वक्त, मेरे ख्याल से कराची कोई एक घंटा दूर है हमसे इस वक्त, ढाई घंटे दूर है अभी। सही है, ये यहाँ पे आके स्लो क्यों होगी, पिछले इतनी तेज़ आ रही थी, ये चलेगी तेज। वैसे आके से कोई गाड़ी आ रही है इसलिए स्लो हो जाती है, पटरी चेंज हो रही है। सही है, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब अभी तक तो ठीक ही है। सही है, और फर्स्ट टाइम मैंने सफ़र किया ग्रीन लाइन के ना, फर्स्ट टाइम। तो गाइज 18 आवर्स का ही सफ़र था, अभी तो पूरा नहीं हुआ, चल ही रहा है। बाकी वैसे बेस्ट यही है, अगर आप ट्रेन पर सफ़र करना चाह रहे हैं तो ग्रीन लाइन ही बेस्ट है, इससे मेरे ख्याल से और भी बेस्ट नहीं है फिलहाल, मैं यही कहूँगा। ऐसी है सर, ये 18 घंटे में पहुँचा देती है कराची ऐसे। ठीक है, लाहौर जंक्शन से मैं बैठा था रात को 8 बजे और ये चली थी कोई 9 बजे, 8:40 वैसे इसका टाइम है चलने का। तो बाकी खाना भी मिलता है जी आपको, डिनर भी ये सर्व करते हैं, आपका ब्रेकफास्ट भी होता है, ये दो चीज़ें मस्त हैं। और इसके बाद आपको ब्रश भी मिलता है, चाय भी उन्होंने बता दिया कि चाय बोल रहे हैं आप, चाय भी मिलती है और आपको टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश भी मिलता है, और शेव करने के लिए आपको सेफ भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, कम्प्लीमेंट्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको टिकट के साथ ये मिलता है। चले, और सारा तो मैंने आपको दिखा दिया सारा आज का सारा ब्लॉग, बाकी रिव्यूज़ भी लोगे लोगों के उनको कैसा रहा उनका सफ़र, जैसे ही सफ़र खत्म होता है तो रिव्यूज़ भी लेंगे। ठीक है, हमारा आज का ब्लॉग जी। तो गाइस बस थोड़ी ही देर में हम कराची पहुंचने वाले हैं, रिव्यूज़ लेते हैं जो बहुत मैटर करता है, कि काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे इस पार्लर एसी में, और चलते हैं पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चल रहा है? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत बुरा सफ़र रहा, नहीं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। अच्छा, रिकमेंडेशन नहीं है, अगर कोई लाहौर से कराची सफर कर रहा है इसके ऊपर, अच्छा कराची से लाहौर कर रहे तो पार्लर कार के अंदर बिल्कुल सफर ना करें। अच्छा, ये छोटे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, सही, बाकी अदरवाइज लॉन्ग ट्रिप के लिए बिल्कुल सही नहीं। सीट्स कैसी थी इनकी, कॉम्फी थी? नो कंफर्टेबल। ठीक है, नॉट कंफर्टेबल। सही है, और मतलब इसके अलावा क्या ऑप्शन देंगे अगर ट्रेन पे नहीं आना चाह रहे लाहौर से कराची? अगर उनके पास ऑप्शन है मतलब उसमें स्लीपर में, तो स्लीपर में आना चाहिए। स्लीपर बस जो होती है? नहीं, ये ट्रेन में भी स्लीपर ऑप्शन, लेकिन पार्लर कार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें पार्लर कार में लंबा सफर ना किया जाए। चले जी, अच्छा खाने को कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10? जो था इट वाज गुड, एंड जो ब्रेकफास्ट था वो बस चालू था। और चाय को कितने नंबर देने जा रहे हैं? चाय 70% चले, ओवरऑल मतलब लंबे सफर के लिए रूट के लिए ठीक नहीं है। चले, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं किसी और मुसाफिर के पास और इनसे पूछते हैं इनका कैसा रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ से आप सफर कर रहे थे? इस्लामाबाद से। ठीक है, कैसा रहा सफर आपका? 8 out of 10। दो नंबर क्यों माइनस किए हैं बताएं जरा? दो माइनस इसलिए कि अगर आप कराची के लिए सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्लीपर लें, पार्लर जो है तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा इसमें आप बैठ नहीं सकेंगे, थक जाते हैं।
तो कोशिश करेंगे बुकिंग 4-5 दिन पहले करा लें। हमने टाइम बुकिंग कराई थी, वो सीट्स और स्लीपर रूम्स अवेलेबल। अब फर्स्ट टाइम ही सफर कर रहे थे, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था, ठीक है, तो बैड एक्सपीरियंस ओवरऑल रेलवे का हमारे साथ कांसेप्ट था, उससे काफी बेहतर है। ब्रेकफास्ट इनका बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, अब अगर कुछ नहीं खाने को मिला तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। आप कितने नंबर दे रहे हैं डिनर को? कितना नंबर? 6.5 दे रहा हूं। 6.5 दे रहा हूं, क्योंकि सीट सही नहीं है। ठीक है, सोफा सीट हो जाए या फिर लंबे सफर, दूसरा फेयर भी काफी ज्यादा है। सही तो किराया थोड़ा कम होना चाहिए। चलेगा, ये मिक्स रिव्यूज़ है लोगों के। अभी अंकल कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं सफ़र करना चाहिए लंबी रूट के लिए, बट इन्होंने कोई 8 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 10, मतलब 2 नंबर माइनस किए हैं। मैं अपना भी रिव्यू बताऊंगा लास्ट पे। तो दानिश भाई से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, कैसा रहा आपका सफ़र? बड़ा ऊँचा बताएँ, ऊँचा बताएँ। अच्छा रहा सफ़र, रिकमेंड करते हैं लोगों को ज़रूर? क्यों करते हैं रिकमेंड लोगों को? अच्छी सर्विस है, चलें ठीक है। ये दानिश भाई थे और ये भी कह रहे हैं कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि सफ़र किया जाए इसका। एक बस होती है स्लीपर फैसल मूवर, लेकिन उसमें इशू होता है, आप चल फिर नहीं सकते, ज़ाहिर वाशरूम आ गया, इनका वाशरूम भी ठीक था, और चीज़ें थी, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं बट कुछ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, अंकल जी कैसे हैं? अच्छा अंकल जी, रिकमेंड करते हैं सफ़र को? अच्छा सफ़र है आपका, पहले पहले बताएँ कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र जो है बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, और मेरे ख्याल में कि वैसे तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सीट से लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग जर्नी जैसे हम लोग इस्लामाबाद काफी जा रहे हैं, इस पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। सही है, लेकिन जैसे इस्लामाबाद से कोई लाहौर से पिंडी से लाहौर आ रहे हैं, लाहौर से खाने वाले या हैदराबाद से कराची, इसके लिए ये जो है ना ये सही है, कंफर्टेबल है। सही है, खाने को क्या नंबर देंगे आप? अच्छा था, लेकिन उसमें ये कि खाना ठंडा था। ठंडा था, सही है, खाना ठंडा था, अदरवाइज जायका तो अच्छा था, लेकिन खाना जो है वो फ्रेश नहीं था, फ्रेश नहीं, ठंडा था, ठंडा था, गर्म होना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये कॉल बेल्स लगाई हुई इन्होंने, लेकिन इसका कोई मुझे तो कुछ सही उसका नहीं लगा, फायदा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत दफा प्रेस किया, कोई आया ही नहीं है पूछने के लिए भी, नहीं कोई आया। एक चाहिए था मिसिंग, जी, लेकिन कोई आया ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट इनको थोड़ी चाहिए, चीज अगर है प्रोवाइड की हुई है उस पर फिर एक्शन भी पूरा होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने भी एक्स्ट्रा रिव्यूज देख ली है ऑब्वियसली, और ब्लैंकेट के लिए मैं भी गया था तो मैंने नॉक किया है लेकिन कोई उठा नहीं, अंदर भाई जाके सो रहे थे आई थिंक सो। तो ये कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट होने वाली हैं, बाकी ओवरऑल इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स रिएक्शंस, सब ने मिक्स रिएक्शंस दिए हैं। अगर आपने भी सफ़र किया हुआ है तो आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं। जैसे वो कराची पहुँचता हूँ, मैं आपको कराची की सैर जाता हूँ। वेल गाइज, आई जस्ट अबाउट टू रीच कराची, अभी ट्रिक स्टेशन पर उतर जाऊँगा, कराची में उतरा क्योंकि कज़न उधर आया हुआ, तो फिर कज़न से आपको मिलवाते हैं। अच्छा सफ़र था, लेकिन थक बहुत हैं यार, बहुत थके हैं भाई। ये देखें सारे पास यार, कराची अभी आया नहीं, पहला ही है। आमिल, जुनेद बाबा, बंगाली, महबूब आपकी खिदमत में, ये सारे बाबे आ गए हैं अभी जैसे कराची शुरू हुआ। जुनेद बाबा बंगाली, मोती राम, रुस्तम बंगाली, ये सही मार्केटिंग हो रही है भाई, इसको कहते हैं मार्केटिंग। गाइस फाइनली वी आर इन कराची, केलांडी स्टेशन अभी गुजरा है, और इधर गंदगी के ढेर, जुनेद बंगाली बाबू, रुस्तम बंगाली फिर से आ गया, ये लांडी का एरिया है गाइस, लांडी। गाइस आई एम अबाउट टू लीव दिस ट्रेन राइट नाउ, सो हम पहुंच गए हैं स्टेशन का मौजूद है ड्रिक स्टेशन, ठीक है। और ये थी ट्रेन जिस पे हमने सारा सफ़र किया, और ये देखें सारा, ठीक है, बेहतरीन थी। बारिश हो रही है यार, मौसम अच्छा है कराची का, हल्की हल्की बारिश हो रही है मेरे ख्याल से। शहजाद भाई को मैं देखता हूँ किधर है वो, बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, बस ठीक था यार, फर्स्ट टाइम था मेरा और इन्जॉय किया सफ़र। और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ एक तरह से, बस से बेहतर है, बस से काफ़ी बेटर है अगर आप कराची का सफ़र करना चाह रहे हैं, तो बस से काफ़ी ही बेहतर है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ गाइस, मैं पहुँचा हूँ, तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, और यार अच्छा सफ़र था ट्रेन का,
और मज़ा आया। और कराची देखें भाई, कराची फर्स्ट टाइम कराची। आई एम हियर इन द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। एंड ट्रेन भी चल गई, थोड़ी देर के लिए रुकी है, और आई थिंक मुझे वो वहाँ पे चढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से उस तरफ जाऊँगा मैं, और फिर आपसे होती है मुलाकात। होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को मत सब्सक्राइब करें, और इस तरह के ब्लॉग और देखने के लिए अभी भाई को कर लें फॉलो। मतलब बड़ी मुश्किल से यार वीडियोस का एकदम से सीन बनता है, जब मैं कुछ ट्रैवल कर रहा होता हूँ तभी सीन बनता है, तो ट्रैवल बंदा कम ही करता है। होपफुली अगर फ्यूचर में ज़्यादा ट्रैवल किया तो ब्लॉग और भी आएंगे इस चैनल के साथ। बाकी दूसरे चैनल पर तो लोग जाते रहते हैं लैपटॉप के हवाले से, ये सीढ़ी चढ़ते हैं हम, ये हमारी ट्रेन जा रही है भाई, ये हमारी ट्रेन जा रही है, ये रे किसान रेलवे। आई थिंक कज़न का भी फोन आ रहा है, देखते हैं कज़न किधर। गाइस ये है ड्रिगोड जंक्शन, और हम आ गए हैं ड्रिगोड जंक्शन इन कराची, और मैं अब देख रहा हूँ मेरा कज़न यहाँ पे आया हुआ होगा मुझे लेने, देखते हैं यहाँ कहाँ पे है वो, लेट्स फाइंड हिम। अभी मैंने दूर से देखा तो था, किधर गया, आई थिंक कुछ चीज़ नहीं है नज़दीक। गाइस ये मेरे कज़न आ चुके हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू कराची। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।